गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रदर के प्रिंटर में T420 या T426 दोनों में से किसी में भी आप इस तरीके से आप वाईफाई के थ्रू मोबाइल से जो कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सब उसके लिए अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और ब्रदर प्रिंटर टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो आपको इसी तरह पहले इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको प्रिंटर पे आना है। प्रिंटर में आपको ये वाईफाई वाला बटन जो आप देख रहे हैं इसे दबा कर रखना है, आपको 5 सेकंड दबा कर रखना है, फिर ये जलने लगेगा। फिर अपने मोबाइल में जाना है, फिर अपने मोबाइल पे वाईफाई खोलना है जहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं, इसे दबा कर रखेंगे और यहाँ पे शो करेगा आपका T420, यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर शो नहीं करे तो रिफ्रेश करें या बंद करके चालू करेंगे फिर वो शो कर जाएगा। यहाँ देखिए शो कर गया, उसे उस पर क्लिक करेंगे और वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है यहाँ पे आपको शो करता हुआ नहीं दिखेगा, सेलेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और सर्च मारेगा थोड़ी देर। मेरे में कनेक्ट था इसीलिए प्रिंटर शो कर रहा था, आप में नहीं शो करेगा। फिर आपका सेलेक्ट नाउ का ऑप्शन देगा, वहाँ पे सेलेक्ट नाउ करेंगे तो इस तरह सर्च करने लगेगा वो। फिर कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये देखिए आ गया ये T420, इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ देख सकते हैं नीचे आ गया। फिर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाएंगे या PDF हो जो भी हो आपके पास, मैंने स्कैनर एप्लीकेशन है उसके अंदर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पर प्रिंटर या शेयर दोनों में से किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको शो करेगा, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से मोनो या कलर जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। देखिए और इस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये प्रिंट आ जाएगा। तो गाइस मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।